हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीटी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है मुगलाई एग पराठा। बहुत ही आसान सा रेसिपी है, आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए टिफिन में बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उनको पसंद आएगा। या आप नाश्ते पे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और कम टाइम में बनके तैयार हो जाएगा। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने लिया है एक तो छोटा बोल में मैदा, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, 2 चम्मच पाउडर शुगर डालें, 2 चम्मच ऑयल डालें, अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्का गर्म पानी ऐड कर लेना है। इससे आपका मैदा नरम रहेगा। मैदे को अच्छी तरह से पानी के साथ घोल लेना है। हमने 7 बड़ा साइज का पेड़ा बना लिया है। एकदम बारीकी से कटा हुआ प्याज डालेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, हरा धनिया पत्ता डालें, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको तीखा पसंद हो तो आप हरा मिर्च ऐड कर सकते हैं या नहीं भी दे सकते। हम इसमें 2 अंडा ऐड करेंगे, आप 2 की जगह 3 भी दे सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पेड़े के ऊपर सूखा मैदा डालेंगे, अच्छी तरह से बेल लेंगे। एकदम बड़ा साइज में, एकदम पतला होना चाहिए, इससे आपका पराठा अच्छा बनेगा। ठीक इसी तरह बड़ा कर लेना है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे, मैदे को फोल्ड कर लेंगे। देखिए ठीक इसी तरह से मैदे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से चिपके रहे और अंडा बाहर ना निकल पाए। देखिए इसी प्रोसेस में हम सभी पेड़े को अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, धीरे धीरे फ्राई करेंगे। देखिए इसी तरह से तेल को ऊपर दीजिएगा तो पराठा अच्छी तरह से फूलेगा। देखिए हमारा मुगलाई एक पराठा रेडी हो चुका है। ये रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।